देश में कई म्यूजियम होंगे, पर जो आज मैंने ये देखा है और जो हमने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है। और जिस रूप में बहुत ही सोबर तरीके से बनाया गया है, मैं समझता हूँ देश में एकमात्र ऐसा गांधी म्यूजियम बनेगा जिसको डोमेस्टिक या फॉरेन टूरिस्ट भी आएंगे देखना पसंद करेंगे। युवा पीढ़ी और छात्र, उनके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। और गांधी की पूरी जीवनी को जिस रूप में दर्शाया गया है बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। उस आप समझ सकते हैं कि एक नायाब चीज बन गई जो राजस्थान के अंदर नायाब चीज बन रही है, जिसकी जरूरत भी थी। और मुझे खुशी है कि कुमार प्रसाद जी जो गांधी पीस फाउंडेशन चेयरमैन भी है और चीफ सेक्रेटरी साहब तो ही है, ये लोग रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका भी असर देखने को मिलता है यहाँ पर। और जो आर्किटेक्ट वगैरह हैं, इंजीनियर्स हैं, सब ने, मैं समझता हूँ कि जो गांधी का जो संदेश है उसी रूप में जो कल्पना की होगी उन्होंने खुद ने, उसी को मूर्त रूप दिया गया। इसलिए इसके अंदर एक सादगी का संदेश भी है। सारे प्रकरण जिंदगी के गांधी जी के वो दिखाने के साथ साथ में उसमें जो सादगी बरती गई है उसकी, इसकी विशेषता ये रहेगी, वो भी अपना भी एक आकर्षण केंद्र रहेगा। तो मैं राजस्थान प्रदेश वासियों को कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में वो जल्दी इसका शुभारम्भ होगा। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान के लोग खुद चाहेंगे कि एक बार जाके देखें, ऐसी नायाब चीज बन रही है, इतने मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर भी सर बन रहा है, मैं बहुत चौंक रहा हूँ, दो बार को बुला रहा हूँ। अभी तो मैं नहीं कह सकता वहाँ की मालूम करता हूँ। दिल्ली में बैठक होगी, दोनों साहब बैठेंगे, सारे जो पायलट साहब विपक्ष हैं वो एक साथ एकजुट नजर आ रहा है। आज भी बैठक हुई है दिल्ली में, पूरा विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आ रहा है, नीतीश कुमार आए हैं। देखिए समय की आवश्यकता भी है, आज देश के जो हालात हैं उसको लेकर के मैं समझता हूँ कि पूरा देश भारी चिंतित भी है। राहुल गांधी जी का जो संदेश था वही तो था, महंगाई बेरोजगारी के अलावा क्या था, नॉन वायलेंस। जो हम खड़े हैं वो नॉन वायलेंस का एक संदेश है, गांधी का खुद का अपना आपके अंदर, जिसकी आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता कोई है तो नॉन वायलेंस की है, सत्य की है। उस पर पूरा देश का फ्यूचर डिपेंड करेगा, ये मेरा मानना है। इसलिए अगर विपक्षी पार्टी होती है तो मोदी जी को भी उनकी पार्टी को भी खुश होना चाहिए। अगर देश में विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या होगा? अगर हमने वास्तव में भावना डेमोक्रेसी के प्रति है, उनके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि देश में विपक्ष मजबूत है। वो तो विपक्ष मुक्त भारत की बातें करने लग जाती है जो व्यक्ति, तो आप सोच सकते हो कि ये अच्छी सोच नहीं है। सर पायलट साहब खड़े, महंगाई राहत शिविर।